कटाई है और आगे अगर आप दिखते हैं तो कैसे? दिक्कतें तो आप जानते हैं, जो जो दिक्कतें आई हैं, लगातार धमकियां, लगातार पुलिसिया टांडो कि किसी तरीके से पर्चा न दाखिल कर मिले। अगर यहां निष्पक्ष चुनाव होता है तो मैं भरोसा आप सबको श्रीमती पूजा यादव के तरफ से दिलाना चाहता हूं कि फिर जिला पंचायत अध्यक्ष दोबारा पूजा यादव होंगी। और जब पूजा यादव जिला पंचायत अध्यक्ष यहां थी, पूरे जनपद में विकास की गंगा, गांव गली सड़कों का निर्माण पूजा यादव के द्वारा किया गया था। जब से ये भाजपा की सरकार आई है, आप देखिए न सड़क पता चल रहा है न गड्ढा पता चल रहा है। गड्ढा सड़क में है या सड़क गड्ढे में है, कोई पता नहीं चल पा रहा। ये जुमलेबाज सरकार है, इससे आम आदमी को, गरीब को, नौजवान को, किसान को, इस सरकार को कोई सरोकार नहीं है। ये जुमलेबाज सरकार है। आपको मैं एक थोड़ी सी घटना बताता हूँ। 2014 के पहले इन्होंने नारा दिया था कि हम आएंगे, 15 लाख रूपया जो विदेश में जमा किए हैं, अभी आप पेपर के माध्यम से पढ़िए, आरटीआई में जो खुलासा हुआ है, स्विस बैंक में, अगर इनके समय में 2014 के पहले अगर 1 रूपया था तो आज स्विस बैंक में 3 गुना पैसा बढ़ गया है। डीजल, पेट्रोल, महंगाई, गैस, हर चीज की वृद्धि हो गई है, मूल्यों में वृद्धि हो गई है। इसलिए मैं फिर अगर पूजा यादव, मैं कहना चाहता हूँ फिर पूजा यादव अगर यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष, यहाँ की माननीय सदस्यों के आशीर्वाद से बनती है तो फिर जनपद का विकास होगा।